कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया के सामने बीजेपी के मनोज तिवारी मैदान में होंगे। कहा जाता है कि इसी इलाके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया गया था। हालांकि इस बार आपने कांग्रेस के लिए इस सीट को खाली छोड़ा है, लेकिन कन्हैया कुमार के आगे सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मनोज तिवारी है। पिछली बार भी वह शीला दीक्षित को इस सीट से हरा चुके हैं। दरअसल दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन सभी सीटों में सबसे घनी आबादी वाली सीट है उत्तर पूर्वी सीट। यहां से बीजेपी के मनोज तिवारी पिछली 2 बार से सांसद हैं। चुनावी मैदान में मनोज तिवारी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में केवल मनोज पर ही दोबारा दांव लगाया है, बाकी 6 सीटों पर सभी के टिकट कटे हैं। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो वह जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी गिनती अच्छे प्रवक्ता के तौर पर होती है। वह कांग्रेस के टिकट से मैदान में है और इससे पहले वह लेफ्ट का बड़ा चेहरा हो रहे हैं और कई मुद्दों पर विवादों में घिरे रहे हैं। खास बात यह है कि इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पूर्वांचली हैं, दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। कांग्रेस ने कन्हैया पर इसलिए भी दाव लगाया है क्योंकि उनके भाषणों में ज्यादातर गरीबों, मजदूरों और महिलाओं की बात रहती है। बता दें कि साल 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद 2008 में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और उसके बाद जो है साल 2009 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा के जो है वोट पड़े थे। तब से इस सीट को कांग्रेस के जेपी अग्रवाल ने जीता था और इस बार उन्हें चांदनी चौक से मैदान में उतारा गया है। इस सीट से ज्यादातर लोग पूर्वांचल के ही हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर पूर्वांचली पर जो है भरोसा जताती है। भोजपुरी सुपरस्टार होने के चलते मनोज तिवारी जनता के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। हालांकि वह भी कई बार विवादों में रहे हैं। साल 2016 में वह जब विवादों में आए, जब आमिर के असहिष्णु बयान पर उन्हें गद्दार कहा था, लेकिन बाद में मनोज ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आमिर खान के बारे में कुछ नहीं कहा है। इससे पहले वह साल 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में शामिल 10 विधानसभा क्षेत्रों में बुराड़ी, रोहतास नगर, बाबरपुर, तिमारपुर, सीलमपुर, गोकलपुर, सीमापुरी, घोंडा, मुस्तफाबाद और करवाल नगर शामिल है। इसमें से सीमापुरी और गोकलपुर के क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। और बता दें कि जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 22,41,624 लोगों की आबादी के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली की सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे, क्या इस बार मनोज तिवारी का गढ़ अब कन्हैया के हाथों में चला जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।